उत्तराखंड राज्य, जिसे प्रकृति ने अपने सौंदर्य से ऐसे सजाया है कि ये राज्य अपनी अनुपम छटा से सभी को आकर्षित कर लेता है। तमाम नदियों, झरनों, बुग्यालों, बर्फीली चोटियों से सराबोर ये राज्य विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, फलों, फूलों, वृक्षों व जड़ी बूटियों का घर है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा यहाँ के किसानों की आय और उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जरा आप सबसे निवेदन है कि बागवानी क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए फल और सब्जी और जड़ी बूटियों और साथ साथ जो हमारी पशुओं की खेती है, इस सब के माध्यम से हम आपकी आर्थिकी को बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। आप निश्चित रूप से अपने जनपद के उद्यान अधिकारियों से, उद्यान के कर्मचारियों से संपर्क करें। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि सरकार की योजनाओं का, भारत सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा बागवानी के क्षेत्र में अपने आपके सहयोग से इसको हम किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार किसान के प्रति बहुत संवेदनशील है, दोस्ताना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प किसान के आय को दुगने करने के संकल्प पे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, ताकि आप समृद्ध हों, आपकी आर्थिकी मजबूत हो और इस राज्य में पलायन की जो बीमारी है इसको से हम छुटकारा पा सके और हमारा राज्य उन सपनों को पूरा कर सके जिन सपनों को लेकर इस राज्य में हुआ था। आपको बहुत बहुत नमस्कार। उद्यान विभाग टिहरी गढ़वाल जिला योजना के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को 90% अनुदान पर पॉली हाउस उपलब्ध कराकर बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन, जिनमें शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा आदि की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर, हमने 400 वर्ग मीटर का पॉली हाउस उद्यान विभाग की मदद से लगवाया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 4 पॉली हाउस मिले हैं। हरापन है फसल का और फल का, वो पॉली हाउस के अंदर ज्यादा है, बाहर पीलापन है। जंगली जानवरों से भी बचत हो जाती है, उसके अंदर कोई घुसता नहीं है, तो इससे हमें काफी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बाहर की अपेक्षा इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु 300 हेक्टेयर व्यक्तिगत एवं सामूहिक घेरबाड़ 75% अनुदान पर लगवाए गए हैं। सिंचाई सुविधाओं के सृजन हेतु पॉली लाइनिंग टैंक 50% अनुदान पर कृषकों को मुहैया कराए जा रहे हैं। आलू, अदरक, मटर, फ्रेंच बीन के बीज 50% अनुदान पर तथा उच्च गुणवत्ता वाले संकर सब्जियों के बीज जैसे कि टमाटर, बंद गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, बैंगन, ब्रोकली आदि निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से कृषक अपनी आय 2 से 3 गुना बढ़ा रहे हैं। फसलों में लगने वाले कीट और बीमारियों से सुरक्षा हेतु विभाग 60% अनुदान पर पौध रक्षा रसायन उद्यान सचल दल केंद्रों के माध्यम से सुलभ करा रहा है। औद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 200 हेक्टेयर हेतु आम, अमरूद, आंवला, अनार, सेब, अखरोट, आड़ू आदि फलों के कलमी पौधे कृषकों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जनपद में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50% अनुदान पर कीवी फल पौध और ट्रेलिस सिस्टम भी दिए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सीता चौहान है, मैं ग्राम सभा दुबाकोटी से हूँ। मेरा नाम रणवीर सिंह है। मेरा नाम विजय सिंह पंडित, ग्राम सिलकोटी। मेरे को ये बगीचा उद्यान विभाग द्वारा मिला है आर्थिक सहायता। मैं इस समय गतिविधि करती हूँ कीवी की। बहुत सारी यहाँ फसलें पैदा होती हैं, मटर हो गया, आलू हो गया, हम सभी पे काम करते हैं। उद्यान विभाग से हमें हाई क्वालिटी का बीज मिलता है, जो कि बहुत डिजीज रेजिस्टेंट होता है और जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत एप्पल मिशन योजना संचालित की जा रही है। मेरा नाम पंकज पटवाल है, मैं यहाँ पे एडीओ के पद से 2017 से तैनात हूँ। तो यहाँ पे हमने एक रूट स्टॉक एप्पल का बगीचा लगाया है। इस योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के क्लोनल रूट स्टॉक, नवीन प्रजाति के फल पौध 80% अनुदान पर जिले के 26 कृषकों को 500 से 1000 पौधों हेतु सहायता प्रदान की गई है, जिससे कि कृषक 1 से 2 वर्षों में ही
आय प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। फरवरी 2021 में रोपित सेब के पौधों में सैंपल के रूप में 5 से 6 महीनों में ही फल आ रहे हैं। इस टाइम 15-20 किलो का सेब यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन अगले साल हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि प्रत्येक पौधे पे कम से कम 3-4 किलो सेब यहाँ पे उत्पादन होगा और किसान की आय निश्चित रूप से यहाँ पे दुगनी होगी। धन्यवाद। केंद्र पोषित योजना MIDH के अंतर्गत पॉली हाउसेस, नए उद्यानों की स्थापना, सब्जी, मसाला, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मशरूम का उत्पादन, एंटी हेलनेट, मल्चिंग और हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में भी सहायता दी जा रही है। इस तकनीक के बारे में हमको इंटरनेट के माध्यम से पता लगा था। जब हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी तो हमने सबसे पहले रिसर्च करा कि कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। उद्यान विभाग उत्तराखंड की तरफ से 5.5 लाख रुपये का अनुदान मिला है पॉली हाउस में, जिसमें कि हमारा योगदान है 10%, जो करीबन 70,000 के आसपास है। बाकी हमें 3.5 लाख MSY योजना के अंतर्गत मिला है और जिसमें हमारा अपना योगदान करीबन 2 लाख है। तो ये टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की 6-7 लाख है, जिसमें अभी हमने टमाटर, शिमला मिर्च, बीन और खीरे की फसल लगा रखी है। ये सर नवीन 2000 वैरायटी है जो हमारी हाइड्रोपोनिक्स के लिए बहुत उपयोगी रहती है। इसमें हमारा एक पौधा करीबन अगर हम चलाते रहें तो 25 मीटर तक जाता है और 25 किलो तक प्रोडक्शन देता है। औजार, संयंत्रों एवं प्रशिक्षण आदि हेतु रोजगार परक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जनपद में 300 समूहों का गठन किया गया है, जिसमें कुल 15,000 कृषकों को जैविक कृषिकरण के प्रशिक्षण के साथ साथ स्प्रे मशीन, बॉटनिकल किट, बर्मी कंपोस्ट किट, जैविक खाद, रसायन आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सिंचाई सुविधाओं के सृजन हेतु केंद्र पोषित PMKSY योजना के अंतर्गत 55% अनुदान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर फलों और सब्जियों के खेतों में स्थापित किए जा रहे हैं। रोजगार परक योजनाओं के संबंध में जिला उद्यान अधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉक्टर DK तिवारी से मुलाकात में उन्होंने बताया। उद्यान विभाग के अंतर्गत मधुमक्खी पालन भी आता है और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 40% का अनुदान अनुमन्य है, जिसमें किसान भाई को देना पड़ता है 2400, सरकार देती है 1600। लेकिन विगत वर्ष जिला योजना के अंतर्गत हमने 500 बाक्सों पर 75% का अनुदान उपलब्ध कराया है। मधुमक्खी पालन से जहां परागण के द्वारा फसलों का उत्पादन बढ़ता है, वहीं साथ ही साथ जैविक शहद का उत्पादन करके किसान भाई अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किसान भाई थोड़ा आगे बढ़ के आएं, सरकार उनकी हर संभव हर तरह से सुविधा सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। संसाधन और धन की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है तो एक कदम आगे बढ़ाने की। धन्यवाद।